हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मटर की कचौड़ियाँ। तो सबसे पहले मैंने ये हरे मटर करीब एक कटोरी ले लिए, उसको मैं पेस्ट करूँगी, साथ में कुछ हरी मिर्चियाँ ले लूँगी, बस उसे पेस्ट कर लेना है। ये पेस्ट हो गए। अब इसके लिए मैं आटा लगा लूँगी। इसके लिए मैं दो कटोरी मैदा ले ली हूँ। मैदे में थोड़ा सा नमक और ऑयल, मोयन के लिए तेल ले लिया। बस इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी देके बस इसे गूंथ लेंगे। एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, ज्यादा नरम ना हो। बस ये डो तैयार हो गया है। हो गया। अब इसे एक कपड़े से ढक देंगे, कोई भी मलमल या कॉटन का कपड़ा इसे ढक देंगे। ऊपर से एक प्लेट लगा दिया मैंने। बस अब इधर स्टफिंग के लिए तेल गरम हो गया। अब वो मटर का पेस्ट डाल दिए। कलर ही इतना सुंदर है, ये कलर धीरे धीरे दूसरा डार्क होता जाएगा बनते साथ। अच्छी तरह से चला लेंगे। बस इसमें मसाले देना है। तो मैंने ये जीरा पाउडर और फिर थोड़ा सौंफ पाउडर दो दो चम्मच दिए। ये जीरा और सौंफ को मैं अलग से भून ली थी, अलग अलग, उसके बाद उसका पाउडर बनाया। और साथ में ये मिर्ची पाउडर दिया, फिर काली मिर्ची पाउडर दिया, उसके बाद गरम मसाला पाउडर सारे दे दिए। बस ये चार चीज़ें ही इसमें पड़ती हैं कचौड़ी में। इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद ये नमक डाल दिया स्वादानुसार और फिर शक्कर भी देंगे। मैंने करीब आधी चम्मच शक्कर डाल दिया। अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। इसके बाद मैंने दो चम्मच पानी में हींग को ऐसे घोल के रख दिया था, लास्ट में उसे भी डाल देंगे। अच्छी तरह से पक जाए। बस इसे को हींग का घोल उसमें डाल दिए। फिर अच्छी तरह से पानी को सूखने तक इसे चलाते रहेंगे। जब तक पानी सूख जाए तब तक ऐसे चलाते रहेंगे। और ये हो गया, एकदम सूख गया है, स्टफिंग तैयार हो गया। अब मैंने वो आटे के डो को, मैंने ऐसे गोल गोल लड्डू बना के रखे थे, एक एक को निकालेंगे, ऐसे कटोरी बना लेंगे, उसके अंदर स्टफिंग को डालेंगे। बस ऐसे मुट्ठी बांध के उसको गोल गोल सबको इस तरह से बनाना है।
पोटली टाइप का बांध लेना है, फिर उसका ताकि ऐसे इतने अच्छे से उसको बंद करना है ताकि उसका अंदर का स्टफिंग बाहर ना निकले। मोड़ के दबा देंगे तो नहीं निकलेगा। सबको इस तरह से बना लेना है। बन गए। मैं कढ़ाई से ही तेल ले लेती हूँ, आप अलग से तेल रख सकते हैं ताकि मेरे को ये बेलने में इजी पड़ता है। मैं तो बहुत बड़े बड़े कचौड़ियाँ बनाई हूँ, आप लोग अपने हिसाब से जो जैसा साइज आप लोगों को अच्छा लगे आप उस तरह का बेल के ये देखिए तल लीजिए। बहुत ही टेस्टी है। ये आप किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ या फिर दम आलू के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। या खाली ऐसा भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। ये सारे पूड़ियाँ मेरी अच्छी तरह से फूल के ऊपर हो गई थी और खाने में तो क्या कहने। आप लोग ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, बहुत ही इजी भी है, सिंपल है और मज़ेदार भी है। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।